लकम द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ट्वेंटी ट्वेंटी रिप्लेस दी ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी विजन डॉक्यूमेंट बट द चैलेंज इज इम्प्लीमेंटेशन द रोड अहेड फॉर एजुकेशन इन आर कंट्री टू शेप द फ्यूचर ऑफ नया भारत ज्वाइनिंग आस एंड टेकिंग द राइट स्टैंड फॉर द कॉज ऑफ एजुकेशन इज दबल एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल मंत्री जी नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज एटीन से बात करने के लिए मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि स्कूल और कॉलेज पूरी तरह से कब खुलेंगे क्योंकि अब तो वैक्सीन भी आ चुका है हाँ ये बात सही है और आपको जैसी जानकारी है कि हमने इस्कूल इस कॉलेजों को खोलने के लिए गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के मार्गदर्शन के बाद जी आ, खोलने के लिए चरणबद्ध तरीके से खोलने के लिए आ, हमने राज्यों को कहा है और जी. जो मेरी सूचना है कि लगभग बत्तीस राज्यों ने स्कूलों को खोल दिया है नौ से बारह तक खोल दिया है प्रारंभिक तीन राज्य ऐसे जिन्होंने एक कक्षा एक से ही और उच्च शिक्षा तक खोला है तो शेष राज्य ने बत्तीस राज्यों ने तो स्कूल खोल दिए हैं लेकिन जो प्रारंभिक जो कक्षाएं हैं उनको कब से वो धीरे धीरे करके अलग अलग समय में वो शुरू कर रहे हैं लेकिन मुझे भरोसा है कि जिस तरीके का माहौल आ, बन रहा है और जिस तरीके से बच्चों का भी अब दबाव है हालांकि अभिभावक बहुत ऐसा लगता है अभिभावकों को कि नहीं बच्चे को भेजना है छोटे बच्चों को नहीं भेजना है लेकिन मुझे लगा मैं अभी जब ये त्रासदी हुई थी धोली गंगा पर हाँ। जोशीमठ के आगे तो मैं हाँ। मैं जब वहाँ गया तो बीच में जोशीमठ में केंद्रीय विद्यालय हमारा है हाँ। तो मैं अचानक वहाँ चला गया कि बच्चों का स्कूल खुला है तो सब बच्चों से जब मेरी बातचीत हुई कितने वो बच्चे खुश थे वो मुझे बात करते हुए कहते थे कि परेशान हो गए थे घर पर हमको स्कूल चाहिए और हम स्कूल में अनुशासन भी रखेंगे और पढ़ेंगे भी तो बच्चा ज़्यादा महसूस करता है कि स्कूल में उसको जो वातावरण मिलता है साथी मिलते हैं एक परिवेश मिलता है तो उसके कारण वो चाहता है कि वो स्कूल में आए और हमारे जितने भी संस्थान हैं उनको बहुत स्कूल हैं उन सभी लोगों को जो गाइडलाइन जारी की है मुझे भरोसा है कि पूरे देश के अंदर यदि उन गाइडलाइन को यदि पूरी तरीके से अनुपालन होगा उनका तो हमारे स्कूल सभी खुल भी जाएंगे और वो सुरक्षित रहेंगे हाँ अभी जैसा आपने कहा कई सारे पेरेंट्स के मन में थोड़ा सा डाउट भी है लेकिन मैं बजट पर आते हैं आत्मनिर्भर भारत का ये बजट है इसमें शिक्षा नीति पर कितना फोकस है देखिए जहाँ तक आपने आत्मनिर्भर भारत की बात की है आपको मालूम है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दो तीन बातें कही हैं एक तो इक्कीसवीं सदी के स्वर्णिम भारत की बात वो कहते हैं ऐसा भारत जो सुंदर हो स्वच्छ हो सशक्त हो समृद्ध हो आत्मनिर्भर हो और श्रेष्ठ हो दूसरी बात उस भारत के लिए जो ऐसा इक्कीसवीं सदी का स्वर्णिम भारत हो उसके लिए नई शिक्षा नीति उसकी आधारशिला बना करके प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके मार्गदर्शन में हम लाए हैं जो देश के अंदर जिसकी बहुत लोगों ने न केवल प्रशंसा केवल पूरे विश्व में वो चर्चा का विषय बना हुआ है और तीसरी बात हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत के साथ जोड़ करके कहा कि हम फाइव ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था चाहते हैं और इसलिए आपने देखा होगा कि जो स्कूली शिक्षा में स्टार्टअप के लिए किस तरीके से हमारे IIT, आई ट्रिपल आई हमारे आई सर, हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय किस तरीके से वो शोध और अनुसंधान करें और अधिक से अधिक छात्र अपना स्टार्टअप कैसे शुरू कर सकते हैं और उसके लिए बादा आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बजट का भी अलग अलग प्रकार से वो आवंटन भी हुआ है और आत्मनिर्भर बनने के लिए जो कक्षा छः से ही वोकेशनल एजुकेशन education हम ला रहे हैं और वो भी इंटर्नशिप के साथ ला रहे हैं वो अपने ढंग का एक अद्भुत काम होगा जो स्कूली शिक्षा से ही हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाएंगे तो निश्चित रूप में वो आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेगा आत्मनिर्भर भारत में पीएमई विद्या के तहत वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म और वन क्लास वन चैनल जिसमें स्वयं प्रभा के बत्तीस चैनल आपको जो चल रहे हैं और हर क्लास के लिए एक नया चैनल हमको दिया हुआ है जी तो मुझे लगता है कि जो आत्मनिर्भर भारत की जो आप बात कर रहे हैं मुझे बहुत खुशी है कि इस आत्मनिर्भर भारत के लिए जैसे शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में हम शीर्ष पर कैसे जा सकते हैं पचास हज़ार करोड़ रुपया नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए इस बजट में सुनिश्चित किया है तो ताकि शोध और अनुसंधान हो अंतरराष्ट्रीय स्तर का शोध और अनुसंधान हो और जो शोध और अनुसंधान हो जो अध्ययन हो वो भी स्टार्टअप की ओर जाए और यहाँ का छात्र जो यहाँ का शोध छात्र है जो आई से लेकर विशिष्ट संस्थानों में अध्ययन प्राप्त करने वाले छात्र हैं वो विदेशों की ओर न झांके बल्कि स्वयं आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में अपना स्टार्टअप शुरू करें ये इसमें है अभी जो आत्मनिर्भर भारत की आप चर्चा कर रहे हैं कि उसमें हमारा शिक्षा प्रणाली के लिए उच्च शिक्षा आयोग का गठन करना है जिसके तहत हाँ। चार परिषद भी गठित होंगी और इसी में आपने देखा कि पंद्रह हजार पंद्रह हजार नए ऐसे स्कूल दिए जा रहे हैं जो मॉडल स्कूल हों जिसमें हर प्रकार से आत्मनिर्भरता आ सके और इसलिए इस आत्मनिर्भर भारत के ही तहत हमारा एक अनुवाद मिशन करके भी जो सभी हम हमेशा कहते हैं कि हम भारतीय भाषाओं का सशक्तिकरण चाहते हैं हमारी तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ गुजराती मराठी बंगाली उड़िया हो चाहे वो, वो असम हो उर्दू संस्कृत हिंदी हमारी देश के जो 22 भारतीय भाषाएं हैं जो हमारे संविधान की अनुसूची आठ में हमको मिले हैं हम उनकी सशक्तता चाहते हैं इसलिए अनुवाद भाषा अनुवाद संस्थान को और सशक्त करने की दिशा में काम किया जाएगा तो मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में पहल करती हैं आगे बढ़ती हैं और उस सपने को साकार करने की क्षमता इन मॉडल स्कूल्स के बारे में मैं आपसे पूछूंगा लेकिन उससे पहले ऑपोजिशन का ये आरोप है कि अगर बजट के प्रावधान को अगर देखें तो पिछले बजट के मुकाबले कम से कम आठ प्रतिशत कम है बजट का प्रावधान फोकस खासकर एजुकेशन यानी शिक्षा पर आप क्या कहना चाहेंगे नहीं नहीं ये विपक्ष को मेरा सुझाव है वो पढ़े ना ये किसने कह दिया और उनसे पूछे जिसने आपने कहा है कि विपक्ष ने कहा है कि आठ प्रतिशत का पिछले वर्ष की अपेक्षा इस साल में आपने आठ प्रतिशत का जो कम किया मैं उनको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि बीस और इक्कीस में जब कोविड के दौरान जो पुनरीक्षा हुई थी और जो बजट का अंतिम आवंटन था बीस और इक्कीस में यदि स्कूली शिक्षा को आप देखेंगे तो बावन करोड़ था जी। और इस समय इस समय 21 और 22 के लिए चौवन करोड़ था तो ये कम हुआ कि ज्यादा हुआ ये तो पांच प्रतिशत लगभग जो है ज्यादा बढ़कर के हुआ है तो कम की कहा बात हो गई यदि आप उच्च शिक्षा में देखें तो उच्च शिक्षा में भी जो 20 और 21 में जो अंतिम जो बजट का प्रावधान था वो प्राविधान बत्तीस हजार नौ सौ करोड़ का था जबकि इस समय ये इस जो इक्कीस और बाईस में है वो अड़तीस हजार तीन सौ पचास दशमलव करोड़ रुपए है तो कम या हुआ या ज्यादा हुआ और इतना ही नहीं उच्च शिक्षा में भी बढ़ा स्कूली शिक्षा में बढ़ा और जिसकी अभी मैं चर्चा कर रहा था ये पचास हजार करोड़ रुपया जो शोध और अनुसंधान लिए लिए, अलग है उसके अलावा तीन हजार करोड़ रुपया जो अप्रेंटिस के लिए अलग से है बहुत सारे मदे हैं जो अलग 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 करके हैं और हिफा को हमने इसमें जोड़ा ही नहीं जो दो हजार तक हम एक लाख करोड़ रुपए का निवेश करेंगे तो उसमें भी हजारों करोड़ रुपया अभी हमको देने तो ऐसा नहीं है कि बजट बजट कम हुआ है, है और तो पंद्रह हजार स्कूल हुए देश में कम से कम अगर मैं चलू कंजर्वेटिव नंबर तो कम से कम छह लाख स्कूल होंगे तो छह लाख स्कूल में से सिर्फ पंद्रह हजार स्कूल को मॉडल स्कूल बनाकर करना ये इस पर जरा थोड़ा ज्यादा बताएं डिटेल में बताएं हाँ ये बात सही है यदि आप स्कूलों को पूरे देश के अंदर स्कूली की बात करेंगे तो ये जो सरकारी और गैर सरकारी है लेकिन जो आपका ये सवाल है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो वित्त विभाग ने हमको पंद्रह हजार स्कूल दिए हैं जिसमें ब्लॉक स्तर का एक बेसिक स्कूल भी होगा जूनियर स्कूल भी होगा हाई स्कूल भी होगा इंटर भी होगा और ये, ये इनकी पूरी अवस्थापना को पूरी ताकत के साथ इसको विकसित किया जाएगा और यहाँ इन स्कूलों को एक मॉडल स्कूल के रूप में जो नई शिक्षा नीति को उस ब्लॉक में नीचे तक क्रियान्वित करने के लिए लीडरशिप दे सके ये पंद्रह हजार स्कूलों होंगे और आपको तो मालूम है कि सौ सैनिक स्कूल इस देश में कितने सैनिक स्कूल हाँ, लेकिन एक साथ सौ सैनिक स्कूल ये जो हमारी सैन्य परंपरा है आ, उसको हम और सशक्त करने की दिशा में तो ये ऐतिहासिक काम हुए हैं, इसलिए ये जो पंद्रह हजार स्कूल है ये बिल्कुल मॉडल स्कूल बनेंगे और ये नई शिक्षा नीति को क्रियान्वयन करने की दिशा में बहुत आह, तो, आह, तो यानी ये मॉडल स्कूल्स होंगे हर लेवल पर अगर आप इसको करना है इंप्लीमेंट करते हैं इसको लाते हैं तो फिर एक पूरा ढांचा तैयार हो जाएगा कि इसको आप जाकर बाकी पूरे पंद्रह लाख स्कूल्स में कैसे इंप्लीमेंट कर सकें लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर निजी तौर पर मैं आपसे पूछूं तो आपके लिए फोकस एरिया क्या है खासकर एज एजुकेशन मिनिस्टर देखिए इस समय की जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं यदि आप ये सोचें कि मुख्य रूप से फोकस हमारा क्या है हमारा शिक्षा नीति है जी क्योंकि हमने जो शिक्षा नीति को देश के आजादी के बाद अपने ढंग की जो आई है जी। बल्कि लोग तो ये कहते हैं कि लॉर्ड मैकाले के बाद क्योंकि जब लॉर्ड मैकाले जी इस देश में आए उससे पहले इस देश की जो आ, जो साक्षरता थी ये ये बताते हैं कि लगभग 97 परसेंट साक्षरता थी जी और उसी उससे पहले तक्षशिला नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय इस देश के अंदर थे जो ज्ञान विज्ञान अनुसंधान नवाचार के क्षेत्र में शीर्ष पर थे और पूरे विश्व के लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे और एक उक्ति हमेशा कही जाती थी ये तद देश प्रसूत सकाशा दग्र जन्मिना स्व स्वम चरित्रम शिक्षे रण पृथ्व्या पृथ्वी के सभी मानव यहाँ शिक्षा लेने के लिए आते थे ये था देश तो वो हम उस चीजों को ताकत के साथ खड़ा करना चाहते हैं भारत केंद्रित शिक्षा नीति जो जो मूल्यों पर खड़ी हो जो अपनी मातृभाषा से प्रारंभिक शिक्षा शुरू करे और उसके बाद शोध और अनुसंधान और नवाचार और वैज्ञान के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पूरी दुनिया के शिखर पर पहुंचे ये हमारी शिक्षा नीति का वो है इसलिए आपने देखा कि पूरी दुनिया ने हमारी शिक्षा नीति को की सराहना की कैम्ब्रिज जैसे विश्वविद्यालय ने, ने इस बात को कहा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा रिफॉर्म है और इसमें बहुत सारी संभावनाएं ये विश्व के लिए भी एक अद्भुत शिक्षा नीति हो सकती है तो पूरी दुनिया के लोगों ने एक नहीं कई देशों के लोग जिस तरीके से हमसे लगातार संवाद कर रहे हैं कि हम भी ऐसी शिक्षा नीति को अपने यहाँ लागू करना चाहते हैं तो हमारी पहली प्राथमिकता यही है कि हम शिक्षा नीति को शुरू करें और शुरू कर दिया हमने हमने बोला नहीं हमने काम करना शुरू कर दिया है, है। चरणबद्ध तरीके से काम शुरू कर दिया है और इसलिए हम मातृभाषा जो भी राज्य अपनी भाषा में उस शिक्षक को दे सकता है क्योंकि वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि जो बच्चा है वो अपनी मातृभाषा में सर्वाधिक वो अपनी भावनाओं को आगे ला सकता है उसके वो अपने प्रखर तरीके से अपने अभिव्यक्ति को सामने रख सकता है तो ये हम उसको आगे बढ़ाएंगे और कक्षा छः से ही जो वोकेशनल एजुकेशन हमारा मकसद है जो इंटर्नशिप के साथ करेंगे उसके, उसके कौशल का विकास करेंगे वो वहाँ से हम शुरू करेंगे और दुनिया का पहला देश होगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है स्कूली शिक्षा से पढ़ाएगा और वो पूरी तरीके से 360 डिग्री का होलिस्टिक उसका मूल्यांकन होगा वो अपना मूल्यांकन स्वयं करेगा छात्र उसका विभाग भी करेगा अध्यापक भी करेगा और उसका साथी भी उसका मूल्यांकन करेगा तो 360 डिग्री होलिस्टिक मूल्यांकन के बाद वो किस तरीके से उभरेगा और उच्च शिक्षा में जाते हुए जिस तरीके से वो कोई भी विषय ले सकता है कहीं भी पढ़ सकता है आ, किसी भी विषय के साथ किसी भी विषय को ले सकता है जब चाहे तब आ सकता है जब चाहे जा सकता है यदि उसको परिस्थिति वस्तु दो साल में छोड़ना पड़ा डिग्री कोर्सेज में तो वो दो साल में निराश अताश नहीं होगा यदि एक साल में छोड़ता है तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा दो साल में छोड़ता है तो उसको डिप्लोमा मिलेगा और तीन साल में छोड़ता है तो डिग्री मिल जाएगी और यदि वो छोड़ने के बाद यदि फिर भी यदि उसको दो साल में भी लगता है डिप्लोमा तो मिल गया लेकिन अब मेरी परिस्थितियाँ अच्छी हो गई है और मुझे अपने भविष्य को संवारना है तो वो आ करके जहाँ उसने छोड़ा था वहीं से वो शुरू कर सकता है उसका अकेडमिक क्रेडिट बैंक हम बना रहे हैं ऐसा बैंक जो उसकी पूंजी होगी जहाँ उसने छोड़ा था वहां से वो शुरू कर सकता है और शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जिसके मैं अभी चर्चा कर रहा हूँ और नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम जो अंतिम छोर तक के बच्चों को भी तकनीकी साथ जोड़ेगा और वोकल फॉर लोकल बनेगा और लोकल फॉर ग्लोबल पर जाएगा का, काश। ये ये इस शिक्षा नीति के तहत है कि इसलिए शिक्षा नीति आपने देखा होगा नेशनल भी है इंटरनेशनल भी है इंपैक्टफुल है इंटरक्टिव भी है इंक्लूसिव भी है इनोवेटिव भी है, भी है। और ये एक्सेस इक्विटी और क्वालिटी की आधारशील पर खड़ी है इसमें कंटेंट भी होगा इसमें पेटेंट भी होगा यदि आप इसकी खूबसूरती को देखेंगे तो आम बदलाव की ताकत ये नई शिक्षा नीति रखती है और इसलिए तो हमारी जो शीर्ष प्राथमिकता है वो शीर्ष प्राथमिकता यही है तत्काल तो जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे कि अकेडमिक बैंक जो क्रेडिट बैंक है उसको हम बनाएं हम उच्चतर शिक्षा आयोग का हम गठन करें नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम का गठन करें नेशनल रिसोर्स फाउंडेशन का गठन करके उसको शुरू करें जो ये काम तेजी से अब होने शुरू हो गए और जो चरणबद्ध नीचे से जिन कामों ने शुरू होना था वो हो चुके हैं इसलिए हमारी शीर्ष प्राथमिकता नई शिक्षा नीति को लागू करने का जी चॉइस क्रेडिट और भारतीय भाषाओं पर फोकस की उसमें उस आप शिक्षा की बात करेंगे ये बहुत बड़ी बातें हैं काश मेरे कार्यकाल में जब मैं पढ़ रहा था तब ये ऑप्शन मेरे पास होता कि मेरे पास अकेडमिक उसको फिर मैं वापस एज ए क्रेडिट बैंक यूज करके अकेडमिक क्रेडिट बैंक यूज करके वापस जाके पढ़ सकता हूँ बहुत सारी बातें हैं इसके इंप्लीमेंटेशन पर बात है और आजकल का जो माहौल है इस पर भी मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ रमेश पोखरियाल जी पर डॉक्टर साहब मेरे आपसे निवेदन है निवेदन है थोड़ा सा मुझे मौका दे एक छोटा सा ब्रेक लेने का यह कंपल्शन है फॉर्मेट का बने रहिए हमारे साथ वेलकम बैक एंड वी आर इन कॉन्वर्जेशन विद यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन डॉक्टर रमेश पोखरियाल डॉक्टर साहब मेरा अगला सवाल आपसे है कि हाल में जिस तरह का माहौल हम देख रहे हैं आ, भारत की छवि और उसके सम्मान पर दिन ब दिन आघात हो रहे हैं हर हर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है कई कई तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है आप क्या कहना चाहेंगे देखिए भारत की तो छवि पीछे के समय से आपने देखा होगा तो आसमान का अंतर है नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जिस तरीके से हिंदुस्तान ने पूरे विश्व में अपना स्थान बनाया वो कोई सोच भी नहीं सकता था जी। और इसलिए आज हिंदुस्तान पूरी ताकत के साथ खड़ा है हिंदुस्तान कहीं कमजोर नहीं है हिंदुस्तान की छवि पूरी दुनिया में बहुत मुखर होकर के और श्रेष्ठता की ओर बढ़ रही है अब जो वातावरण स्वभाव है इतना बड़ा एक करोड़ लोगों का देश है हमारा लोकतंत्र है लोकतंत्र की खुशबू विभिन्न प्रकार की आ, होती है और इसमें घटनाएं भी होती हैं आंदोलन भी होते हैं लेकिन हाँ कुछ लोगों ने जरूर आंदोलन के आड़ में कुछ इस तरीके की करने की कोशिश की जो भारत के स्वाभिमान और सम्मान के खिलाफ था और पूरे देश ने उसकी निंदा की है जी आ, और इसलिए वो तो कोई भी देश हो कोई भी व्यक्ति हो दे। तो मैं समझता हूं कि मोदी जी ने जिस तरीके से किसानों के हित में काम किया और बोल करके क्या कि नहीं किसान हमारा अन्नदाता है किसान के साथ चट्टान की तरह सरकार खड़ी रही है पीछे के पांच छह सालों को आप देखेंगे तो किसान के लिए जितने अभूतपूर्व निर्णय हुए हैं पीछे देश की आजादी के सत्तर सालों में नहीं हुए हैं और जो ये तीन बिल भी आई हैं इस पर तो बहस होनी चाहिए पूरे देश के अंदर बहस होनी चाहिए चर्चा होनी चाहिए कि का, किस कमी क्या है उनमें कमी है ऐसा ऐसा कमी क्या है हमारे हमारे मंत्री जो कृषि मंत्री जी ने सदन में कहा कि इसको तो काला बिल बोना बो, बोला जा रहा है ये काला क्या है बताओ तो हम उस काले को हटाना चाहते है क्या काला तो बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती ना तो मैं ये समझता हूं कि हमारी जो गवर्नमेंट है और नरेंद्र मोदी जी शुरू से ही किसानों की आय दुगना कैसे हो सकती है इसके लिए बिल लाए हैं कि डेढ़ गुना तक तो इनकी आय बढ़ा दी है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री सम्मान निधि में अभी सोचा था कि छोटे किसान के खाते में सीधे जो है लाखों लाखों रुपए जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे पूरा वातावरण लोग भी इस बात को महसूस कर रहे हैं लेकिन हाँ मोदी जी ने बहुत खुल करके कहा देश के प्रधानमंत्री जी ने मैं किसानों के साथ हूँ यदि उनको लगेगा कभी भी कि उनका अहित हो रहा है तो बोले हम बात करेंगे ये काम उन्हीं के लिए ही किया जा रहा है उन्हीं की मांग पर किया जा रहा है और उसमें किसी प्रकार का कोई पुराने में तो कोई बदलाव नहीं है यदि वो चाहते हैं कि पुराने में ही करना है तो उसके लिए विकल्प और दे रहे हैं जो जो था वो तो है ही लेकिन उसके अतिरिक्त भी विकल्प आपको दे रहे हैं इसमें कोई दूमधता का विषय ही नहीं होना चाहिए लेकिन आ, मैं देश के प्रधानमंत्री जी को इस बात की बधाई देना चाहता हूँ कि पूरी ताकत के साथ किसानों के हित में काम कर रहे हैं नौजवानों के हित में काम कर रहे हैं देश के इतिहास में यदि आप आंकड़ों को उठा करके देखेंगे कितना परिवर्तन आया है ये है और आप आत्मनिर्भर भारत को लेकर के जिस तरीके से पूरा देश एक जुट होकर के और खड़ा है तेजी से माहौल बदल रहा है मुझे भरोसा है ये जो नई शिक्षा नीति आई है और जो प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हम उसको लेकर के आए हैं निश्चित रूप में भारत अवश्य गुरु के रूप में आगे बढ़ने का पूरा मादा रखेगा जी अब डॉक्टर साहब इसी बात पर कि विश्व गुरु की जो आशा है हमारी कि हम ज्ञान की ओर बढ़ें लेकिन हमारे जो आधार हैं मूल आधार हैं उनको भूले नहीं यानी कि हमारी सिविलाइजेशनल वैल्यूज कल्चरल हेरिटेज और साथ ही साथ कई सारी चीजें हैं जिसको कि हमारे करिकुलम में लाने की जरूरत है जैसे मेंस्ट्रुअल हाइजीन एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस पर्यावरण की तरफ कॉन्शियसनेस पानी की तरफ कॉन्शियसनेस मिशन पानी एक मुहिम हमारी है यहाँ पर और और, और मैंस्ट्रल हाइजीन पर भी हमने एक पीरियड ऑफ प्राइड जैसी मुहिम छेड़ी है कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर ज्यादा फोकस की जरूरत है क्या इस पर काम हो रहा है निश्चित रूप में हो रहा है आपने तो देखा है कि जहां हम नई शिक्षा नीति में इन सब चीजों को जो आपने कहा है उन सब चीजों को समाहित करके लाई है वहां अभी भी हम चुप थोड़ी हैं आपने पर्यावरण की बात की आप पीछे के दिनों में देखिए कि वन आ, आ, वन स्टूडेंट वन, वन ट्री एक छात्र एक पेड़ को लगाएगा करोड़ों करोड़ों पेड़ को लगाया है छात्रों ने और आ, उसके संरक्षण की दिशा में भी काम करेंगे ऐसे जल संरक्षण की दिशा में आपने देखा दे। कि आ, जो पानी एक एक छात्र एक लीटर पानी बचाने का अभियान हमने लिया था आप समझ सकते हैं कि तैतीस करोड़ छात्र छात्र में यदि बीस करोड़ लीटर भी प्रतिदिन छात्रों ने बचाया होगा तो एक दिन का बीस करोड़ लीटर पानी बचता है ये तो कई दुनिया के तो इतने देश हैं जिसको दे। महीनों तक बीस करोड़ लीटर पानी की भी जरूरत नहीं है तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से हमने चाहे स्वच्छ भारत मिशन हो चाहे जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का अभियान हो जो सांस्कृतिक आदान प्रदान करने का विषय है और जो स्वच्छ भारत में हमारे बच्चों ने किस तरीके से लीडरशिप लिया अपने घर में परिवार के लीडर बनकर के सफाई के लिए वो क्या संस्कार बना परिवार के लोगों को भी आ, बनाया और बताया और उनको आगे बढ़ाया कि नहीं ये गंदगी नहीं करनी है तो ये जो हमारे अभियान है चाहे पर्यावरण का अभियान है चाहे स्वच्छता का अभियान है और चाहे वो चिकित्सा का है चाहे योग का है फिट इंडिया का है ये कैसे करके जो है मानसिक माई बुक माई फ्रेंड जो है कैसे करके किताबों को आप अपने मित्र बना करके और आगे बढ़ेंगे किस तरीके से हमने ध्रुव तारा कार्यक्रम किया कि उसके अंदर की ऊर्जा गणित विज्ञान और कला के क्षेत्र में आ, आगे वो बढ़े अभी हम हकोथौन कर रहे हैं कभी खिलौनों का हकोथौन करते हैं कभी कभी जो है ड्रग हकोथन करते हैं कभी स्मार्ट इंडिया हकोत्थन कर रहे हैं अभी हमने आशियान देशों के साथ हकोत्थन हको, हको हको किया, किया। उससे पहले सिंगापुर इंडिया हकोत्थन किया ये हजारों हजारों आइडियाज़ हमारे बच्चों को कैसे करके और आगे बढ़ा सकते हैं इस दिशा में हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं जी डॉक्टर साहब मेरा आखिरी सवाल आपसे मेरे पास समय कम है आपके पास भी मैं जानता हूं आप काफी व्यस्त रहते हैं मेरा एक छोटा सा सवाल है क्या जे का नाम बदलने की का कोई प्लान है कई बातें चल रही हैं मैं आपसे जानना चाहता हूं नहीं नहीं जेएनयू का नाम बदलने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है जी डॉक्टर रमेश पोखरियाल थैंक यू वेरी मच फॉर स्पीकिंग टू अस हियर एट सीएनएन न्यूज़ 18 बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए